हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस के ऑनलाइन। कैसे मैं आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की अध्याय के पास से 12 ध्वनि। उसमें से आपके पास टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है, क्या ध्वनि तरंगों। आपको ध्वनि के बारे में, ध्वनि की कई सारी क्वालिटीज़, खूबियाँ, जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं। और आप लोगों को कल वीडियो अपलोड हुआ होगा, उसमें से प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको पूरे के पूरे वीडियो पहले ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन क्या है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा इन तक। कम से कम आप लोग 2 से 3 मिनट पहले देखिएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और इन तक जरूर देखिएगा। ना समझ में आए तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टॉपिक जो आपके पास है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट जैसे हम लोग क्या, वैसे ही हमारा साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है। मतलब जिसको बोलते हैं हम बोल रहे हैं या सामने से आवाज़ रिटर्न आ जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। या एक तरफ से आवाज़ आ रही, फिर यहाँ सुन के यहाँ से दूसरी तरफ से हमें समझ में आ रही है। ऐसे जैसे आप लोग वॉच में जो टाइम देखते हैं, घड़ी, घड़ी को सनलाइट पे ऐसे करके फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करें, तो जैसे सर सूर्य किरणें अगर इस तरफ सनलाइट इस तरफ होगा तो हमारे पास ऐसे पड़ के रिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा। अगर इस तरफ होगा तो इस तरफ रिफ्लेक्शन पड़ के इस तरफ हो जाएगा मिरर पे, जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। क्या, जैसे मान लीजिए घड़ी हमारी वॉल पर लगी हुई है, घड़ी की आपतित ध्वनि जो होती है वो क्या, ऐसे निकलते निकलते फिर एक अभिलंब, एक एक्सेस पे, मतलब हमारे पास नॉर्मल पे टकराती, टकराने के बाद हमारे परावर्तित ध्वनि हमारी कानों पर आ जाती है। तो घड़ी की जो ध्वनि होती है वो कानों में पहुंचने के लिए हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही वर्किंग करती है। जैसे किसी ठोस या द्रव से टकराकर, किसी ठोस या द्रव मतलब कोई दीवार या लिक्विड से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। जैसे सनलाइट, प्रकाश हमारा जैसे ही पृथ्वी पड़ता है वैसे ही वो रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। जैसे हमारे पास घड़ी की जिस दिशा और घड़ी की आवाज़ होती कानों पे पड़ने के बाद वो तुरंत आपके पास रिफ्लेक्शन पे पहुंच जाती है। ध्वनि घड़ी की दिशा बंद तो होती नहीं है, टक 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 चलती रहती है ना, तो वो रिफ्लेक्शन भी कंटिन्यूसली चलता रहता है, वही ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहलाता है। फिर आगे ध्वनि परावर्तन के, जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं वैसे ध्वनि परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला, परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब के साथ ध्वनि का आपतन व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा और ये होता है कोण यहाँ पर आर और कोण आई। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जी आपके पास जी आपको पढ़ना था। दूसरा नियम क्या लिखा है, ध्वनि के आपतन होने की दिशा परावर्तक की सतह पर खींचा गया अभिलंब तथा ध्वनि के परावर्तन की दिशाएं परस्पर एक ही तल पर होते हैं। जैसे आपको नियम था क्या, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही दिशा में होते हैं, वो परावर्तक का नियम कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो वही दोनों नियम यहाँ पर भी लग रहे हैं, सेम डायग्राम बना हुआ है, बस क्या इसमें घड़ी और कान को दर्शा दिया गया है। तो आप लोग इसको बना लीजिए, लिख लीजिए। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वरना वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझना वही है प्रकाश के परावर्तन से, जैसे ही हमारी सनलाइट हमारे पास पड़ती है वो रिफ्लेक्शन होने लगती है, ऐसे ही हमारा ध्वनि भी होती है, जैसे हमको सुनाई देती है वैसे वो रिफ्लेक्शन पे भी पहुंचती है। तो जी आपके पास हो गया ध्वनि तरंगों का परावर्तन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कोई फास्ट स्पीड में।
अब देखिए आगे पर लिखा है ध्वनि परावर्तन की उपयोग। अब आपको पढ़ना है ध्वनि की जो परावर्तन के उपयोग होते हैं उनको पढ़ना है। देखिए कैसे लिखा है, यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब हम क्या साउंड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे लाउड स्पीकर के तौर पे हम यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप के रूप में, स्टेथोस्कोप में यूज करते हैं, समुद्र की गहराई नापने में भी हम यूज करते हैं, साउंड का उपयोग करते हैं। सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिनसे ध्वनि परावर्तित होने के पश्चात हॉल के सभी भागों में पहुंच सके, मतलब वक्राकार मतलब ऐसे करके बनाई जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सिनेमा हॉल पे हम लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो वहाँ पर जो आवाज़ है हर एक व्यक्ति को सुनाई देनी चाहिए, नहीं सामने सामने रहेगी तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे करके बनाते हैं तो आवाज़ इको के साथ में ऐसे घूम के सारे भाग में हमारी आवाज़ पहुँचती है सिनेमा हॉलों में, वहाँ पर हम यूज करते हैं ध्वनि परावर्तन के उपयोग का, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के रूप में। फिर अब आता है प्रतिध्वनि, मतलब होता है इको। जब किसी उचित परावर्तक जैसे इमारत पहाड़ से टकराकर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इसको इको। मतलब आप लोग ब्रिज या पुल के नीचे कभी छोटी छोटी पुलियों के नीचे या कमरे पे या अपने रूम पर अगर कोई रूम अगर ईको मारता है तो समझ में कैसे आएगा, उस पर रूम को बंद करके जब आवाज़ तेज बोल दीजिए या पुल के नीचे ब्रिज के नीचे आवाज़ तेज बोल देंगे तो वहाँ पर ईको के साथ साथ जब ज़्यादा बड़ा लॉन्ग ब्रिज होता है तो वहाँ पर ईको ज़्यादा सुनाई देता है। या जैसे आप लोग जानते हो कि साउंड जब कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर जब गाने बजते हैं सॉन्ग्स बजते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप लोग बोलते हैं ईको नहीं आ रहा, मतलब क्या जो हूटर्स लगे होते हैं तो वहाँ पर ईको जब चालू करिए एक आवाज़ को कई बार पहले सबसे ज़्यादा स्पीड में फिर उससे स्लो फिर उससे स्लो वो काफ़ी दूर तक वो पहुँच जाती है, उसी को बोलते हैं हम ईको बोलते हैं। ठीक, ईको की डिफिनेशन में लिखी है ध्वनि जब किसी उचित परावर्तक जैसे इमारत पहाड़ से, मतलब ध्वनि जो होती है इमारत पहाड़ से टकरा कर हमारे पास वापस उस कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। इसकी एक नोट भी लिखी हुई है, क्या लिखी है, उचित प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। मतलब क्या हमने जो चीज़ बोली है वो हमारे पास परावर्तक आने तक 0.1 सेकेंड में सुनाई देनी चाहिए, ये आवश्यक होता है, वही हमारा ईको। अगर ज़्यादा देर बाद आ रही है तो वो हमारा ईको नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास ईको, समझ गए। अब इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आ गया अनुरणन या गूंज, जिसको बोलते हैं रिवरब्रेटिंग, मतलब बहुत सारी गूंज एक साथ, मतलब मैनी पर्सन या मैनी लोग या मैनी व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति जहाँ पर होते हैं और एक कमरे पे अगर हैं बातचीत कर रहे हैं तो सबकी आवाज़ मिक्सअप होना, इसको बोलते हैं मिक्स करना, मिक्स हो जाने की आवाज़ को हम गूंज बोलते हैं। मतलब नहीं बोलते हैं बहुत गूंज, या क्लासरूम में आप लोग बैठे होते हैं और कई लोग अगर क्लास नहीं चल रही होती तो आप लोग सभी लोग बातें करने लगते हैं तो एक धमकी से आवाज़ गूंज उठती है, आवाज़ तेज हो जाती है, शोर बच जाते तो आपके प्रिंसिपल या टीचर्स लोग आपके रूम में आके बोलते हैं क्यों चिल्ला रहे हो या गूंज क्यों इतनी उठ रही है, वो होती है रिवरब्रेटिंग। इसको रोकने के लिए हम लोग का उपाय भी है, जैसे सभा, जैसे बोलते हैं संसद में आवाज़ आती है, संसदों में या सभासदों में या न्यायालय में कहीं पर भी जहाँ पर आवाज़ ज़्यादा गूंजती है या लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर उसको रोकने का उपाय क्या होता है कि हमारे पास गूंज ना हो, सिर्फ बातचीत ही समझ में आए, वो चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। क्या बताया जाएगा, किसी बड़े ऑडिटोरियम में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार टकराकर परावर्तित होती रहती तथा बार बार सुनाई पड़ती है तो यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निबद्ध होता है अनुरणन कहलाता है।
अब देखो कैसे, मतलब कोई भी चीज़ है बार बार सुनाई दे रही, बार बार परावर्तित हो रही है, उसको हम बोलते हैं गूंज, जिसको बोलते हैं रिवर्बरेटिंग। उस गूंज को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कम करने के लिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसे कम करने के लिए सभा भवनों की छतों तथा दीवारों पर, सभा छतों की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ, कुछ हमारे सब्सटेंस भी होते हैं जैसे पर्दे आदि लगे होते हैं, या फर्नीचर लगा दी जाती है वॉल पे, तो वहाँ पर गूंज हमारी नहीं होती है, रिवर्बरेटिंग नहीं होती है, वो सारी चीज़ें बंद रहती हैं। जैसे नोट में एक फार्मूला लिखा है, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी जो होती है 2 गुना होती है डिस्टेंस की, तो इस वजह से ये हो गई गूंज। आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं गूंज के आगे वाले टॉपिक की ओर जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, ध्वनि परावर्तक के कुछ उपयोग, सम यूजेज ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के उपयोग क्या होते हैं, जैसे ध्वनि परावर्तक के नियम होते हैं, वो परावर्तन के थे, जो किसके थे, परावर्तक के। देखिए ध्वनि परावर्तक साउंड रिफ्लेक्टर होता है, मेगाफोन होता है, बल्ब हॉर्न भी होते हैं हमारे पास, उपयोग भी होता है, बातचीत करने की नली में उपयोग होता है, कान के पीछे हाथ रखकर सुनने में उपयोग होता है, स्टेथोस्कोप के रूप में होता है, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने में भी होता है, टू फाइंड दी डेप्थ ऑफ सी। तो जी आपके पास हो गए यूजेस, तो आप लोग यूजेस ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन, ठीक, तो आप लोग रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्शन सब चीज़ बताएगी। तो अब आप लोगों को आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, तो सेशन में आप लोग अच्छे से लिखिएगा और नोट्स बनाइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी भी आप लोगों ने अगर यूट्यूब पर नए हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो जरूर इसके देखिएगा, और इसके बाद कुछ समय के बाद आगे क्लासेस में आपको न्यूमेरिकल भी बताने जाएंगे। तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।